इस वक्त हमें सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीटेट की तरफ से अभी सीटेट में बीएड को बैठने को लेकर कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट नोटिस यहाँ पर दी गई है एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी चेक करने के बारे में, ठीक है। उसके बाद से कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं आई है, जबकि फैसला आए 2 दिन हो चुके हैं। अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर बीएड वाले सीटेट पेपर वन की परीक्षा देने जाएं या ना जाएं। आप लोग जानते हैं कि 20 तारीख से इसकी परीक्षा है और यहाँ पर बीएड वाले बड़े असमंजस में, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किन चीज़ों का जिक्र है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज यहाँ पर ओपन है। अगर आप यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से होगा। उन्होंने लिखा है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाई NCT, यानी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो NCT द्वारा नोटिफाइड जो भी चीज़ें हैं उसी के अनुसार होंगी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCT टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी, यानी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के संबंध में आप NCT की वेबसाइट पर अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिर बीएड शामिल रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर सीटेट जो एलिजिबिलिटी है वो NCT के द्वारा निर्धारित की जाती है। और वीडियो में कुछ भी आगे बताने से पहले मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा सीटेट जो दिसंबर 2022 में जिसकी परीक्षा हुई थी। यहाँ पर देखिए, सीटेट दिसंबर 2022 का मेरे पास नोटिफिकेशन, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच में लिए गए थे और परीक्षा दिसंबर जनवरी के महीने में हुई थी। यहाँ पर अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज और यहाँ पर आप लोग देखिए, ये देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज है और यहाँ पर भी सेम वही बातें लिखी हैं जो आपके इस करंट नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं, जो कि जिसका एग्ज़ाम 20 तारीख को होना है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि जब सीटेट दिसंबर 2022 की मार्कशीट जारी की गई तो वहाँ पर एक लाइन डाल दी गई। क्या लाइन डाली गई? वो लाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सीटेट के जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए फॉर्म भरे थे, पेपर परीक्षा दिए थे, पास हुए थे, उनके बारे में यहाँ पर देखो ये लाइन लिखी हुई है कि जो भी सर्टिफिकेट आपकी रहेगी पेपर वन की बीएड अभ्यर्थियों की वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन रहेगी। तो इस लाइन से ये साफ हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर होता है या NCT 2018 का जो गजट है वो खारिज होता है तो बीएड वाले सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं रह पाएंगे। और यही एक लाइन है जिसकी वजह से आज सीटेट की मार्कशीट रद्द की गई। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन दी गई है कि CTT में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी हो गया है इसी लाइन की वजह से। अब आते हम लोग मेन पॉइंट पर कि आखिर बीएड वाले क्या करें, परीक्षा देने जाएं या नहीं जाएं। तो देखिए, भले ही सारी चीज़ें NCT से निर्धारित तो हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 20 तारीख के पहले पहले NCT कोई नोटिस जारी नहीं करता है, सीटेट कोई नोटिस जारी नहीं करता है, तो एक बार परीक्षा में बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि परीक्षा बहुत दूर होनी नहीं है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट पर ही होनी है, या होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी तो आपके अगल बगल जो भी पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ पर हो रही होगी, तो चले जाइएगा। क्योंकि भले ही बीएड बाहर हो चुका, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा उस कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि बीएड को शामिल करने की आर्डिनेंस की मांग की जा रही है, हो सकता है NCT भी एक लीगल प्रोसेस से बीएड को शामिल करें, तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं, बाद में बीएड अलाउ कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फिर आपको पछताना रहेगा। आपने देखा होगा कि जो पहले नियम थे सीटेट के, वो टेट परीक्षा जो भी होती है, तो सीटेट की मार्कशीट की वैधता 7 साल थी और जो राज्य सरकार की वैधता थी प्रमाण पत्र की टेट की वो 5 साल थी। बहुत सारे छात्रों के सीटेट प्रमाण पत्र क्या हो गए थे,
रद्द हो गए थे, मतलब एक तरीके उनकी एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन सरकार ने उसको लाइफ टाइम कर दिया, सारे फिर से बहाल हो गए। ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक CBSE इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं करता है कि हाँ बीएड वाले नहीं शामिल हो पाएंगे, तब तक मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप परीक्षा दे देना, ठीक है। बाकी जो कुछ भी अपडेट निकलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।